पहले आप सब लोग निपट लो, फिर हम बाद में कर लेंगे शोर। स्टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। बच्चा आगे कर लो इसको। तमाम वो सारे लोग जो आज शरीक हो रहे हैं प्रोग्राम में पहली बार, उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। कल मैं शो में नहीं था, यहां पे मैं शो नहीं कर पाया क्योंकि मैं बाहर था, रायपुर में था, लेकिन जाना होगा अभी छत्तीसगढ़ तो समझ लिए, बस सिर्फ गया था देखने के लिए कि यहां आना है, तो बस मैं आ गया। आज शो आपके बीच में करूंगा। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रही है, लेकिन यहां तो मुद्दे अपने और आपके अपने, तमाम सारी बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए मैं हाजिर हूं। वो तमाम सारे लोग जो आज आए हैं यहां पे पहली बार, उनको सब पता है कि मैं उनसे पहले पूछूंगा, उसके बाद वो जो लोग रोज आते हैं जिनका खाना हजम नहीं होता यहां आए बगैर, उनसे भी मैं जरूर पूछूंगा। लेकिन जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे पहले तारुफ कराना चाहूंगा। टीना करमवीर जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच टीना। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभिषेक तिवारी जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी से, बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्या मैथिल राजनीतिक विश्लेषक, चुपचाप रहने वाले, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत हल्ला मचाते हैं ये, लेकिन इन्होंने कहा कि आज हमने कसम खाई है कि आज से हम नहीं बोलेंगे, कम बोलेंगे, अब देखते हैं कितना ये निकलते हैं। डॉक्टर नीति शर्मा राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वाति जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अमित श्रीवास्तव थैंक यू सो मच, और हमारे ऑटो वाले भैया नवल उपाध्याय, बहुत बहुत शुक्रिया। बहस शुरू करूं, लेकिन उससे पहले वो तमाम जो लोग आज पहली बार शरीक हुए, कहां से आना हुआ? रोहिणी सेक्टर 24। रोहिणी सेक्टर 24 से आप? पूरा परिवार एक है, मैंने समझ लिया था, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहती हैं, कुछ बोलना चाहती हैं मैम? कुछ नहीं, आज आपसे मिलना था, आपसे मिलना था, आपसे मिलने के लिए आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ लोग बोलना चाहें जी? कहां से आना है? मैं डिस्ट्रिक्ट जिंद हरियाणा से। जिंद हरियाणा से जी सर। सब बढ़िया? जी सर बिल्कुल बढ़िया। जिंद में भैंस कितने की मिलती है? भैंस सर करीबन 80,000, 1,00,000, 1.5 लाख, 2, जैसी लेना चाहिए वैसी मिल जाती है। आपने पूछा ये भैंस की बात इन्होंने क्यों की, गरीब परेशान मत होइए, बीन नहीं बजाऊंगा, लेकिन ये बात सच है कि जिंद की भैंस जो है वो बड़ी मशहूर है। लग रहा है ये भैंस भी करते हैं, भैंस के बारे में भी जानते हैं, क्योंकि मेरा पाला कई बार ऐसे लोगों से भी पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से आना हुआ साहब आपका? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ भिलाई जी, भिलाई से आज ही लौटना हुआ मेरा भी। आज हम भी आए। हाँ मेरा भी जी। साईं अटल बिहारी वाजपेयी जी है, उनके गांव से हूँ सर मैं। कहाँ से, किसके गांव से? अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री पूर्व। हाँ हाँ, जो उनके गांव से है, बहुत अच्छी बात जी। पहली बार आए जी? जी आराम से, आराम से। मैंने कुछ लोग पहली बार आते हैं, ऐसा दर्शन देते हैं कि लगता है कि बार बार ना आए। आए आए आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और बेटे के साथ आए हैं आज आप? क्या करते हैं बेटा आप? मैं स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहे हैं जी। कोई शेर भी लाए हैं अपने साथ? आप शुरू कीजिए। मूड बनाइए, पहले मूड बनाइए। मैं आपके पास मूड बना हुआ है। मूड बना हुआ है तो इरशाद। मैं जानता हूँ कहाँ तक उड़ान है इनकी। मैं जानता हूँ कहाँ तक है उड़ान इनकी। मैं जानता हूँ कहाँ तक उड़ान है इनकी। मेरे ही हाथ के पाले हुए परिंदे हैं। मेरे ही हाथ के पाले हुए परिंदे हैं। बहुत अच्छा शेर है, बहुत अच्छा शेर। कमाल के शेर लिखते हैं साहब आप, बहुत कमाल के शेर लिखते हैं। एक और सुनाऊंगा जी, एक और सुना लीजिए। अरे मैं तो पूरा बना, मैं मूड बना दूं। शायर कलाकार आर्टिस्ट वही होता है, वो अपने मूड के हिसाब से चलता है, मेरे हिसाब से नहीं चलेगा। और मुझे नहीं मालूम, मेरा इनसे कोई परिचय भी नहीं है, मुझे नहीं मालूम ये मुशायरे में जाते भी हैं नहीं जाते, नहीं जाते ना। ये है पोएट, ये होता है ये लोग। आज तो परेशान, आज की दिक्कत ये है कि कोई कवि कभी सम्मेलन में ना जाए तो वो कवि नहीं माना जाता, मुशायरे में ना जाए तो शायर नहीं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ जिंदगी की कश्मकश में हैं और शायरी वहीं से निचोड़ लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आऊंगा, मूड बनाऊंगा।